वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। बुधवार सुबह लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर कॉलोनी में मलबे में मिले सैकड़ों शिवलिंग देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद वहां चर्चा शुरू हो गई कि हो न हो यह शिवलिंग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तोड़े गए भवनों से मिले हैं और इन्हें रात के अंधेरे में लाकर इस जगह डंप कर दिया गया है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कभी नदी का स्वरूप लिए हुए आसी जो अब नाला बन चुकी है उसमें भी काफ़ी एक काशी विश्वनाथ के मंदिर में से तोड़े गए शिवलिंग डाले गए हैं। वहीं कॉरिडोर निर्माण से जुड़े अधिकारी मलबा कॉरिडोर का होने से साफ इनकार कर रहे हैं। घटना स्थल पर इसकी चर्चा सुन करके लोग जमा होना शुरू हो गए, जिसमें कांग्रेस नेता अजय राय, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी मौके पर पहुंचे। बता दें यह दोनों ही चर्चित हस्तियां शुरू से ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को काशीवासियों की आस्था से खिलवाड़ बताकर इसका पुरजोर विरोध करते आए हैं। घटना कुछ इस प्रकार है कि बुधवार सुबह रोहित नगर के मलबे में पड़े शिवलिंग को देखकर इलाके के लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया, जिसके बाद स्थिति के तनावपूर्ण होने की आशंका के चलते लंका सहित कई थानों की फोर्स वहां मौके पर तैनात कर दिया गया। वहीं उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही मलबे में शिवलिंग मिलने की खबर एक दूसरे के कान से होते हुए शहर में फैलना शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचे लोगों को शिवलिंग उठाने से रोका, क्योंकि ये लोग शिवलिंग लेकर अपने अपने घरों को जा रहे थे। बताते चले, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में शिव की मान्यता इतनी है कि सभी इनका सम्मान करते हैं। मौके पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने इस घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने इस मामले में लंका थाने में सरकारी अमले के खिलाफ तहरीर भी दिया है। उनका आरोप है कि हिंदू एजेंडे पर सत्ता पे काबिज हुई गेरुआ सरकार ही हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। मौके पे पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, एक औरंगजेब भी आया था जिसने विकास के नाम पे मंदिर तोड़े थे, एक ये सरकार भी है उसी तरह का आचरण कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कॉरिडोर बनाए लेकिन इस तरह से मूर्तियां ना तोड़े और ना ही हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करे। वहीं इस मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के CEO विशाल सिंह का कहना है कि कॉरिडोर में किसी भी मूर्ति या मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, कॉरिडोर में चल रहे काम का मलबा राजघाट ले जाया जाता है। उनके मुताबिक रोहित नगर में मिले शिवलिंग कहीं और से वहां लाकर फेंके गए हैं। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही पता चल जाएगा कि शिवलिंग कहां से आए हैं। कुछ भी हो, काशी वासियों की आस्था का ये खिलवाड़ जिसने भी किया शायद उसको ये काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है। वहीं लंका थाना परिसर में दोनों के ही समर्थक यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक और साथ ही अजय राय के समर्थक धरने पे बैठ गए। योगी और मोदी क्यों नहीं दिया? अगर जवाब होता तो दे देते।
बहुत तेज़ी से दे देते, लेकिन इतने दिन के बाद भी नहीं दिया, इसका मतलब है जवाब नहीं है। आप छुपा करके अन्याय कितने दिन करोगे और क्यों करोगे? और हक क्या है आपको? मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? विकास के लिए तोड़ रहे हैं। विकास कौन सा विकास? मंदिर तोड़ के थोड़ी बनारस का विकास होगा। भाई औरंगजेब आया था तो मंदिर तोड़ा था ना विकास के लिए, वो भी तो राजा था, औरंगजेब था वो। हाँ तो इसीलिए ये भी औरंगजेब है, औरंगजेब इससे नीचे बिल्कुल नहीं है। कोई इससे नीचे कहता है तो हम उससे असहमत हैं। कोई हिंदू घर में पैदा हो गया, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहा है, तो उसके आचरण जब तक हिंदू नहीं होंगे वो हिंदू नहीं हो जाएगा। शपथ मात्र से कुछ नहीं होता, नहीं कस्तूरी का मोदा शपथे न विभावे। कस्तूरी अगर होगी तो सुगंध आएगी, केवल कोई कहे कि मेरे मुट्ठी में कस्तूरी है इससे नहीं सब कस्तूरी हो जाएगी। ये जो काम है ये औरंगजेब का ही है, जो लोग भी कर रहे हैं वो उन्हीं से उन्हीं की सूची में साफ है। ये ना करें, हम तो कुछ और कह नहीं रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि भैया आप कॉरिडोर बना लो, आप जो कुछ करना चाहो कर लो, मूर्ति हमारी रहने दो, इतना ही तो कह रहे हैं। हेलो।